तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई साहब यार, आज ना मुझे टिप्सन मिलिट्री बेस में कोई नए आए हुए जेट प्लेन की बात कर रहा था। तो गाइस हम लोग ना यार ये सब कुछ तो बाकी टिप्सन के पास जाकर ही पूछेंगे कि भाई साहब क्या हो गया, कहाँ से आ गया जेट प्लेन रॉकेट अपने रोपिरो वाइस्टोन में। तो गाइस हम लोग ना एक काम करते हैं, फटाफट से ना अपनी रोड शो में चल के यार यहाँ पर बैठ जाते हैं और चलते हैं टिप्सन के पास बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस ये जो वीडियो है ना आज की, ये रियली बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि गाइस शायद ना न्यू अपडेट आ गया दोबारा से रोपिरो वाइस्टोन में। लेकिन यार मुझे कन्फर्म तो नहीं है, टिप्सन ने ये बात करी है। अब गाइस आप लोग ना इस वीडियो को देखते रहना एंड तक, फिर ना गाइस आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर यार गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से आके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार गाइस हमारे ना यार बहुत जल्द 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सिर्फ 10,000 रह गए। तो गाइस फटाफट से जाओ यार 3 लाख सब्सक्राइबर्स करा दो अपने भाई के, ठीक है। तो यार गाइस यहाँ पर ना, अरे यार मैं थोड़ा सा गलत आ गया हूँ, हम लोगों को ना बैक ले लेना है। और गाइस टिप्सन का घर ना यार यहाँ से आगे है, तो जल्दी से चलते हैं और अपनी गाड़ी को ना गाइस आज ना हम लोग फुल टाइम यहाँ से ना स्पीड में टर्न करेंगे। ओके तो यार गाइस यहाँ पर 1 2 3, अरे अरे ये, अरे ये क्या भाई साहब, यहाँ पर तो स्पीड में टर्न करने के चक्कर में यार हम लोगों ने टिप्सन के घर की बाउंड्री तोड़ डाली। लेकिन चलो उसको पता नहीं चला, साला आगे खड़ा हुआ है, हम लोग तो पीछे से आए हैं ना। तो ओके यार गाइस यहाँ पर टिप्सन से बात कर लेते हैं। हाँ भाई, हेलो टिप्सन यार, कैसा है तू और बता, ये तू कौन से जेट प्लेन रॉकेट की बात कर रहा था? रोपिरो लाइट हाउस वाले मिलिट्री बेस में न्यू अपडेट आ गया, रॉकेट जेट प्लेन आ गया, और मैं चाहता हूँ कि तू जाकर वो मेरे लिए चुराए, और अगर तूने वो चुरा लिया तो उसको हम लोग बेच के अमीर हो जाएंगे, हम लोग आपस में पैसा बांट लेंगे। आप बता रोपिरो क्या करना है, चुराएगा मेरे लिए? अबे हाँ टिप्सन करते हैं, और यार ये तो और अच्छा हो गया, मुझे आज के लिए वीडियो मिल गई, मैं अपने व्यूवर्स को न्यू अपडेट दिखा पाऊंगा। ठीक है टिप्सन, तो हम लोग ये डील डन करते हैं, मैं जाता हूँ मिलिट्री बेस और देख कर आता हूँ, अगर मैंने वो जेट रॉकेट प्लेन चुरा लिया ना तो फिर उसको बेच करना, हम दोनों आधे आधे पैसे कर लेंगे टिप्सन, ठीक है। तो मैं चलता हूँ। ओके रॉपिरो। चल ठीक है टिप्सन, तो चलो यार गाइस यार यहाँ से ना हम लोग फटाफट से निकल लेते हैं। भाई साहब खुशखबरी खुशखबरी, रोपिरो वाइस्टोन का न्यू अपडेट आ गया है, मतलब कि गाइस जो लाइट हाउस के पास वाला मिलिट्री बेस है ना, उसमें ना गाइस न्यू रॉकेट जेट प्लेन आ गया है। अब उसको ना गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, और गाइस उसको ना आज मैं चुराने वाला हूँ, और चुरा कर ना गाइस यार कहाँ पर रखेंगे एक जेट प्लेन को। जेट प्लेन गाइस होता भी बहुत फास्ट है। हाँ एक काम करेंगे ना गाइस, अपने ना रोपिरो वाइस्टोन के कसिनो के ऊपर ना हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ पर जाके ना उसको मतलब के लैंड कर देंगे और वहाँ पर छुपा देंगे कुछ दिनों के लिए, और फिर उसको बेच देंगे, बस किसी की नज़र वहाँ पर ना पड़े। तो गाइस यार अभी ना हम लोग जाएंगे मिलिट्री बेस में, और यार वहाँ पर ना जेट प्लेन पर बहुत ही सिक्योरिटी होने वाली है, तो मतलब कि गाइस यार बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आज ना गाइस हमें ना यार ये जो काम है ना यार दिमाग से लेना पड़ेगा, कोई सही वाला सीन क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग तभी फ़िलहाल तो गाइस मिलिट्री बेस जा रहे हैं, और अगर गाइस यार ये चुरा लिया ना मैंने तो यार मज़ा आ जाएगा। और ये क्या गए 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 पानी में, अरे बच गए। और भाई साहब ये कैसे हुआ, मतलब कि गाइस अपनी गाड़ी कैसे हवा में उड़ी, अगर आप लोगों ने सही से नहीं देखा तो यार रिप्ले करके देख लो, मतलब कि गाइस मुझे लगा कि आज तो यार गई मेरी गाड़ी पानी में, और ऐसा होता ना तो गाइस देर हो जाती अपने को, जो कि यार ठीक नहीं था। लेकिन गाइस यार यहाँ पर तो हम लोग बच गए, सही कंट्रोलिंग कर ली मैंने सही टाइम पर, वरना तो गाइस हम लोग यार गए थे बस, अभी बिल्कुल एंड हो जाती अपनी गाड़ी अंदर पानी में चली जाती, और फिर हमें ना चुरा कर किसी गाड़ी लानी पड़ती। तो यार गाइस यहाँ पर ना हम लोग अभी जा रहे हैं कसिनो पर। अरे 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 मोटा भाई क्या कर रहे हो, अरे यार ये क्या, मतलब कि गाइस ये तो मोटा भाई की बाइक तो अपनी गाड़ी से चिपक गई थी, मतलब क्या हुआ ऐसे कि भाई साहब यहाँ पर ना वो आए और एक्सीडेंट हुआ और उनकी जो बाइक थी फंस गई थी अपने साथ। तो भाई साहब अभी ना हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, मिलिट्री बेस की बैक साइड पर जाना पड़ेगा, और बैक साइड से जाके ना हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता चौकन्ना होके हम लोग को जाना है, और यार पहले तो देखना है कि यार क्या वहाँ पर रियली न्यू जेट रॉकेट प्लेन आया। एक तो यार नाम भी इतना भारी है कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गाइस ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है ना अपने रोपिरो वाइस्टोन में, तो भाई साहब इसीलिए होता है थोड़ा थोड़ा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, टिप्सन साले ने प्रैंक किया होगा ना, तो इसकी भैंस की आंख छोड़ूंगा नहीं काले कव्वे को, मतलब कि गाइस पूरे के पूरे वाइस्टोन में काले गधे पर बिठाऊंगा साले को और घुमाता रहूंगा। तो यार गाइस यहाँ पर ना हम लोग अब एक काम करते हैं, चलते हैं। अरे 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 ये क्या, हम लोग को ना गाइस रस्सी फेंक कर ना दीवार से चिपकना पड़ेगा,
और ओके तो गाइज यार यहाँ पर ना मुझे ऑलमोस्ट यहाँ से निकलने में 3-4 घंटे लग गए। मतलब कि गाइज मिलिट्री बेस के अंदर ना यार ये आप लोग देख पा रहे हो कि ये यार हेलीकॉप्टर बोल रहा हूँ, जेट रॉकेट प्लेन खड़ा था। और गाइज मैंने ना इसको कैसे भी करके चुराया, लेकिन गाइज मेहनत बहुत लगी। और आप लोग यार यहाँ पर देख पा रहे हो कि मिलिट्री बेस के 2 स्टार्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये ना गाइज कुछ ही देर में हट जाएंगे ब्लिंकिंग करके। तो गाइज यार टिप्सन ने सच बोला था कि यार सच में ना गाइज मतलब कि मिलिट्री बेस में न्यू अपडेट आया है, और गाइज ये जेट रॉकेट पेन आ गया है अपने रोपीरो वाइस्टोन के मिलिट्री बेस में। तो इसी बात पर ना, हाँ भाई साहब इसी बात पर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार लाइक कर दो इस धमाकेदार वीडियो को। 3 लाख सब्सक्राइबर पर तो गाइज और भी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो आएगी अपनी। तो अभी ना गाइस मैं इस जेट रॉकेट प्लेन को डायरेक्ट लेके जाऊंगा मिलिट्री बेस पे। लेकिन ना गाइस जेट रॉकेट प्लेन की असल में आवाज़ तो बहुत है, अब यहाँ पर आपकी इस वीडियो में गाइस वॉल्यूम बंद है ना, तो यार आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा। लेकिन यार यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ ना इसे, तो यार मुझे पता है कि भाई साहब इसका तो आवाज़ बहुत है। अब बस ओके आहिस्ता आहिस्ता ना गाइस हम लोग यार यहाँ पर इसको ना वाइस्टोन की कैसीनो की छत पर ले आते हैं। और ओके यार यहाँ पर बस ये यहाँ पर अपना काम हो गया, ये रहा हेलीपैड। अब इस पे ना गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, जल्दी से इस यार इस अपने जेट रॉकेट को इधर ना इसके ऊपर ले आता हूँ। लेकिन यार ये क्या, ये तो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा, और यार ये तो ब्रेक भी नहीं मार पा रहा। मतलब कि मैं तो कह रहा हूँ कि इधर ही इसको पार्क कर दूँ, लेकिन यार ये तो यार गाइस यहाँ पर सीधा भी नहीं आ पा रहा। एक काम करता हूँ, अब चेक करता हूँ। अरे अरे ये देखो ब्रेक तो लग ही नहीं रही है, ब्रेक मार रहा हूँ तो ये खुद पीछे जा रही है। अरे भाई साहब ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, ये क्या सिस्टम है यार, ये हमने कभी ऐसी चीज़ें चलाई भी नहीं ना, तो हमें पता ही नहीं इनके बारे में। और ये क्या यार, ये तो नीचे ही गिर पड़ा, तो अब हम लोग क्या करें। अरे अरे ये देखो क्या, ये क्या ऑटो पायलट लगा हुआ है क्या, या मिलिट्री वालों ने ट्रैक कर लिया इसको। अरे अरे यार यहाँ पर क्रैश लैंडिंग होने वाली है, और ये धमाका, नहीं बच गया हैं, मैं बच गया। अरे रॉकेट जेट प्लेन रुक भी गया, तो ओके अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से उतर लेते हैं और उसको ना गाइस हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। तो यार गाइस यहाँ पर ना ये अंदर की साइड है, यहाँ पर ना किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यार यहाँ पर ना किसी ने मिलिट्री बेस से चुरा कर जेट रॉकेट प्लेन यहाँ पर रख दिया है। तो इसको ना गाइस अभी एक काम करते हैं ना, कुछ टाइम इधर ही रहने दो और बाद में आके ना गाइस हम लोग देख लेंगे, अगर आए तो फिर गाइस हम लोग ना इसको जब भी टाइम आया तो इसको ना गाइस हम लोग बेच डालेंगे। अभी फिलहाल ना गाइस मैं जाऊंगा टिप्सन के पास, उसको खुशखबरी देने कि गाइस यार न्यू अपडेट भी आ गया है, और मैंने ना गाइस न्यू अपडेट में जो चीज़ आई थी मिलिट्री बेस में उसको भी चुरा लिया। तो यार यहाँ पर मैंने अपनी गन निकाली है, क्योंकि फिलहाल ना गाइस मुझे टिप्सन के पास जाने तक के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यार यहाँ पर ये देखो ये येलो कलर की एक गाड़ी आ रही है, तो इसको ना मैं 1-2 गोलियाँ मारता हूँ ताकि इसका ड्राइवर बाहर उतरे। लेकिन ये क्या, अरे भाई साहब ये कौन सी खतरनाक गन निकाली है मैंने, 3 गोलियों में पूरी की पूरी गाड़ी टपका दी मैंने। अरे यार इस गन का नाम भी भूल गया हूँ, वैसे ना गाइस ये गन बहुत ही खतरनाक है, तो उस पर इसको ना हमें किसी पर ट्राई नहीं करना चाहिए, पूरी की पूरी गाड़ी भी फट सकती है। तो शॉट गन निकालता हूँ, शॉट गन से ना गाइस मैं इस ड्राइवर का मत्था बजा डालता हूँ। और ओके ड्राइवर मर गया, इसको गाड़ी से उतारते हैं और हम लोग गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल लेते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, उनको बोलो कि वो भी सब्सक्राइब कर दें, और गाइस वो भी आके शेयर कर दें। और गाइस हाँ सब्सक्राइब करने के बाद पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि गाइस आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस वैसे ही यार अपने 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर्स पर तो भाई साहब और भी ज़्यादा मोस्ट धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। और बस यही कहना चाहूँगा कि गाइस आप लोग ना ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहना, मैं ना गाइस आप लोगों के लिए डेली ऐसे धमाकेदार वीडियोस लाता रहूँगा। और हाँ इंस्टाग्राम का ना गाइस नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से गाइस वहाँ पर भी फॉलो कर दें अपने भाई को, मतलब कि गाइस वहाँ पर भी ना आप लोग मेरे 1K फॉलोअर्स करा दो। तो चलो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।